अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरबिया से जुड़ी जितने भी ज़रूरी अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। सबसे पहला सवाल जो लोगों की तरफ से आ रहा कि क्या सऊदी अरबिया ट्रैवल बैन लगा रही है फ़्लाइट्स के ऊपर, ये सवाल कर रहे लोग। तो देखिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ, सऊदी अरबिया ने अभी जो डिसीज़न लिया है, आज जवाजात के तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, 16 कंट्री पे ट्रैवल ना करने की नसीहत दी गई है सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स को। जो सऊदी शहरी हैं उनको मना किया गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। जो रेसिडेंट है हम लोग जा सकते हैं। कौन कौन सा कंट्री के लिए मना किया गया है, मना करने का पीछे रीज़न क्या है ये भी समझिए। अभी मंकी पॉक्स नाम करके एक नया वायरस आया, इस पर ऑलरेडी मैंने आफ्टरनून में वीडियो बना के आप लोग को बताया। तो ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अगर हम एहतियात ना बरते अभी स्टार्टिंग में तो हालात COVID-19 की तरह हो सकते हैं। बहुत मुश्किल से COVID-19 पे कंट्रोल पाया गया है। अभी अगर ये जो मंकी पॉक्स है इसको भी इग्नोर कर देंगे तो कहीं हालात फिर से ख़राब ना हो जाए, इसलिए दुनिया भर के जो सरकारें हैं वो थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं। इंडिया ने भी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दिया, सब लोग सेफ्टी को पहले ध्यान दे रहे हैं। तो कौन कौन सा कंट्री है जो मेरी वीडियोस को देखते हैं हिंदी लैंग्वेज का, उनके लिए मैं बता दूं, इंडिया है इस लिस्ट में और अफगानिस्तान है। तो सऊदी अरबिया ने सिर्फ ट्रैवल बैन लगाया है सऊदी सिटीजन्स के लिए कि आप लोग अभी मत जाओ। अगर हालात ख़राब होता है आगे चल के तो हो सकता है पाबंदी रेसिडेंट पे भी लगे, जो खारजी लोग यहाँ पे काम करते हैं उन पे भी लगे, लेकिन अभी ये श्योर नहीं है। तो उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। जो लोग छुट्टी जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन सोच बूझ के जाइए। जो लोग आना चाहते हैं सऊदी अरबिया आप भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो अभी तक इसका कोई भी केस सऊदी अरबिया में नहीं मिला है। अभी अभी एक न्यूज़ में देखा मैंने, इसराइल में इसका एक केस मिला, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, उधर ये मिल रहा है। इधर हमारे साइड में मिडिल ईस्ट या फिर एशिया का, इंडिया, पाकिस्तान, इधर अभी तक देखने को नहीं मिला है। और आप लोग को मैं ये भी बता दूं, मंकी पॉक्स ये जो बीमारी है ये कोई नया नहीं है, इससे पहले काफ़ी बार आ चुका है और इस पर कंट्रोल भी बहुत जल्दी पाया जाता है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है ना, COVID-19 की वजह से ट्रैवल बैन था, तो बहुत सारे लोग अभी एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हटा COVID-19 का, इसलिए ज़्यादा रश है, ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स डर रहे हैं कहीं ज़्यादा रश के वजह से यह नया वायरस लोगों में ना फैले, क्योंकि यह वायरस भी कोरोना का जैसा ही है, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। इसके अलावा ट्रैवल बैन करना सिटीजन्स के लिए एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि ईद के बाद से सऊदी अरबिया में भी कोविड के केसेस लगातार बढ़े हैं, 400-500 केसेस लगातार आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा ज़रूरी अपडेट है सऊदी अरबिया सेंसस 2022 को लेके, 2022 का जो सऊदी सेंसस है यानी जनगणना जो अभी चल रहा है, ऑलरेडी 10 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है और 25 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। इसको लेके हुकूमत के तरफ से बार बार रिमाइंडर दिए जा रहे हैं कि जितने भी रेसिडेंट है, सिटीजन है सऊदी अरबिया के, उनको इसमें पार्टिसिपेट करना है, यानी आप सबको अपना डेटा पोर्टल में जाके सबमिट करना है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया कि कैसे आप कर सकते हो, इस वीडियो में बताया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो का हेल्प लेके खुद से भी कर सकते हो। बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा लोगों को और काफ़ी लोग मुझसे सवाल भी कर रहे हैं कि जो रेसिडेंट और सिटीजन्स इसको इग्नोर करेंगे उस पर फाइन भी लग सकता है। इसके अलावा बार बार एक और चीज़ बोला जा रहा है कि ये सर्वे में आप कोई गलत डेटा मत डालिएगा, जो सही सही है आपके बारे में वही आपको फिलअप करना है। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि सऊदी सेंसस का सर्वे फिलअप करना ज़रूरी है या नहीं, रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है या नहीं, मैं उनको बता दूं ये सब के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे थे कि भाई क्यों लोगों को डरा रहे। तो देखिए, मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन लोगों को डराने का नहीं है, लोगों को हेल्प करने का है, अवेयर करने का है। आप अगर मेरी बात पर यकीन नहीं करते, आप सऊदी एक्सपर्ट्स का न्यूज़ देखो, सऊदी गैजेट देखो, आपको लगातार रिमाइंडर मिलेंगे। ये जो न्यूज़ चैनल से वो लोग तो गलत नहीं बताएंगे ना, तो ये बार बार बोला जा रहा कि जितने भी रेसिडेंट है यहाँ पे काम करते हैं उनको देना है और जो सऊदी सिटीजन है उनको भी देना है, क्योंकि एक हिंट्स दिया है गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा है
कि विज़न 2030 को लेके हमें आगे और भी डिसीजंस लेने। वो सारे डिसीजन का अनाउंसमेंट कब होगा? जब उनको पता चलेगा कि कितने खारजी लोग काम कर रहे हैं और सऊदी अरबिया का करंट पॉपुलेशन कितना है। ये सब चीज़ तब पता चलेगा जब ये सर्वे कंप्लीट होगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब आप ये पोर्टल में सर्वे देंगे, अपना डेटा फिलअप करेंगे, उस समय आपसे पूछा जा रहा आपका क्वालिफिकेशन, फिर आपकी सैलरी भी कि आपका कितना सैलरी है। तो अब ये सारा डेटा जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, हुकूमत के पास रहेगा कि कितने लोग किस टाइप के क्वालिफाइड हैं, कितना पढ़ाई किया हो और उनकी सैलरी कितना है, कितना वो लोग सैलरी यहाँ से उठा रहे हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक अपडेट है, इस वीक भी लगभग 12,500 लोगों को पकड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने। ये वो सारे लोग थे जो सऊदी अरबिया में इल्लीगल काम कर रहे थे, इल्लीगल तरीके से घुसे हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जितने भी लोगों को पकड़ा है, सबसे ज़्यादा लोग यमनी थे, लगभग 47% यमनी लोगों को पकड़ा है, 35% एथोपियन लोगों को पकड़ा है और 18% ऐसे लोगों को पकड़ा है जो मिले जुले कंट्री के थे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यह भी कहा है पकड़े जाने वाले लोगों में लगभग 4,000 के आसपास में वीमन्स भी थे, यानी औरत भी थे, बाकी जितने भी लोगों को पकड़ा गया वो सारे मेंस थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, सऊदी अरबिया में जितने भी लोग इल्लीगल तरीके से रहते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो 15 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और 1,000,000 रियाल का फ़ाइन हो सकता है, या फिर हो सकता है ये दोनों ही सज़ा आपको हो। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है लेवी फीस को लेके। सऊदी अरबिया में रिसेंटली लेबर लॉ में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। अभी तक क्या होता था, जितने भी प्राइवेट कंपनी है जिनके पास 5 से ज़्यादा वर्कर्स है, उन पे लेवी फीस जो है इम्प्लीमेंट होता था, यानी लेवी फीस में उनको वर्क परमिट लेना पड़ता था जो बंदा उनके अंडर में काम कर रहे उनका, और इसके लिए सालाना 9,600 रियाल उनको फीस पे करना पड़ता था। तो ये फीस जो है जो हाउस वर्कर्स है, घरेलू वर्कर, उन पे मैंडेटरी नहीं था, उन पे लागू नहीं था, सिर्फ कंपनी के लिए था। लेकिन अभी रिसेंटली इस कानून में चेंजेज हुआ है, अब कोई भी कफिल अगर अपने घर में 4 से ज़्यादा वर्कर को रखा है तो उसको भी हर एक वर्कर का लेवी फीस जमा करना पड़ेगा, 9,600 रियाल हर साल उसको पे करना पड़ेगा ईच वर्कर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने यह भी बताया है, अगर कोई खारजी बंदा स्पॉन्सर है, उसने 2 बंदे को बुलाया है और वो तीसरा बंदे को भी बुलाना चाहता है, यानी 2 से ज़्यादा बंदा अगर वो बुला के रखता है सऊदी अरबिया में खुद स्पॉन्सर होके, तो फिर उसको भी लेवी फीस जमा करना पड़ेगा हर साल 1 बंदे के ऊपर 9,600 रियाल। यहाँ पे राहत वाली खबर ये है, जो लोग ऑलरेडी पहले से 5 से ज़्यादा वर्कर को बुला के रखे हुए उनको ये फीस अभी फ़िलहाल पे नहीं करना पड़ेगा। ये कानून अभी बना है, अभी यानी अब से जितने भी लोग नए लोगों को बुलाएंगे, जितना भी कफिल हो या फिर कोई खारजी बंदा स्पॉन्सर बन के बुलाएगा, तो उस पर ये कानून लागू होगा। क्योंकि ये कानून का फर्स्ट फेज़ अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, 11 मई 2023 से ये कानून सबके लिए लागू हो जाएगा, चाहे आप नए कफिल हो या पुराने कफिल हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।